नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं 27 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह भारत से अलग हुआ है 1971 में बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी नगर प्रधान, ऑप्शन सी नगर सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर, ऑप्शन नंबर ए सही है, महापौर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2019 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी काशीराम, ऑप्शन सी मायावती, ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, काशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विकास। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है, संसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नकित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नकित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिहार। बिहार बीमारू राज्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई?
विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी 1993 ईस्वी, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई, ऑप्शन नंबर सी सही है 1995। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है कृषि में, ऑप्शन नंबर सी सही है कृषि में। प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा, रुपया पैसा, मुद्रा यानी रुपया पैसा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, सुनामी। सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए ऊंचा भूमि पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहते हैं? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहते हैं? तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों, यह सभी सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2020 में पूछे गए थे। अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।